प्रतीक। आज का दिन बच्चों के लिए बहुत खास है, चलिए देखते हैं क्यों। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम चिल्ड्रंस डे शो की रिहर्सल शुरू करेंगे। वाओ, बच्चों के लिए भी खास दिन होता है मैम। हाँ, क्या किसी को पता है किसके जन्मदिन पर चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है? मैं बताऊँ, चाचा नेहरू का, इंडिया के पहले प्रधानमंत्री। मैडी को हमेशा जवाब पता होता है। बच्चों, शो का विषय है राष्ट्रीय प्रतीक, इसका मतलब भारत देश की खास चीजें, जैसे कि राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय प्राणी, राष्ट्रीय फूल और बहुत कुछ। ये सब हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। इनमें से एक चिन्ह चुनो और शो के लिए वो चिन्ह बनकर आओ। मैंने मोर को चुना, ये सबसे सुंदर है। मैं देश का सबसे सुंदर प्रतीक बनूंगी। अच्छा मैडी, क्या तुम एंकर बनना चाहोगे? तुम चाचा नेहरू के बारे में बहुत जानते हो, तुम उनके जैसे ड्रेस पहन सकते हो। हाँ, हाँ, हाँ। आज स्कूल के प्ले का दिन है, सभी मम्मी पापा प्ले शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, हम पेश कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। पहले राष्ट्रीय पेड़, बरगद का पेड़। अब राष्ट्रीय फूल, कमल का फूल। अब पेश है हमारी राष्ट्रीय नदी, गंगा। हम फिर से पेश कर रहे हैं राष्ट्रीय नदी, गंगा। अब बारी है राष्ट्रीय फल की। रसीला आम। राष्ट्रीय पक्षी मोर। कृष, तुम्हें पता है मोर सबसे खास है, मुझे बीच में खड़े होने दो। नहीं, बबुल को कोने में खड़ा रहना अच्छा नहीं लग रहा, वो स्टेज पर बीच में खड़ी रहना चाहती है। ओप्स, सॉरी। और आखिर में पेश है हमारा राष्ट्रीय प्राणी, खूंखार बाघ। ओ, बाघ कहाँ पर है? और अब पेश है राष्ट्रीय प्राणी बाघ। मैं इस रसीले आम को खा जाऊंगा। नहीं नहीं हाली, रुको रुको। बदमाश बबुल अब क्या कर रही है? वो अब भी स्टेज के बीच में जाना चाहती है। मैंने पढ़ा था कमल नदी पर तैरता है। उतारो मुझे। वाह, आज के प्ले में कुछ ज्यादा ही मजा आ गया। बच्चों, वापस लाइन में खड़े हो जाओ। लगता है बच्चों को इस शो में कुछ ज्यादा ही मजा आया है। आपको
जलेबी स्ट्रीट के और वीडियोस देखने हैं तो